हमारी तैयारी कोर्ट कचहरी तक जाने की भी है। जब तक ये परिवार को उचित न्याय नहीं मिलता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आगे लीगल प्रोसीडिंग की भी हमारी तैयारी है कि लोगों की जान से खेलेंगे और हम चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। मुम्बरा सिलफाटा परिसर में 14 जून को पटेल गली से गुजर रही एक 26 वर्षीय महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई थी। उस वक्त परिजनों ने मांग पूरी होने तक मैयत दफन न करने का फैसला लिया था, मगर समाज सेवक करीम खान ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, जिसके बाद परिवार वालों ने मैयत दफन की। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष करीम खान ने महिला की मौत पर डायघर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को लेटर देकर इंसाफ की मांग की है। करीम खान का कहना है कि टोरेंट पावर कंपनी पर गुनाह दाखिल होनी चाहिए। वहीं एक लेटर टोरेंट पावर को भी दिया गया है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। वहीं उत्तर भारतीय संघ के लीगल एडवाइजर अब्दुल कबीर चौधरी ने भी पुलिस से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा। जी, अभी फिलहाल हम लोगों ने लेटर स्थानीय पुलिस स्टेशन को दिया है और यहाँ के मौजूदा जो टोरेंट कंपनी के जो मौजूदा जनरल मैनेजर है उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया है कि परिवार को न्याय मिले। अगर ये परिवार को न्याय नहीं मिलता है हम आगे तक जाएंगे। हमारी तैयारी कोर्ट कचहरी तक जाने की भी है और अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हम सारे कुछ काम करेंगे। जब तक ये परिवार को उचित न्याय नहीं मिलता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे एडवोकेट ने भी बता दिया है, हमारे एडवोकेट ने भी बता मुआवजे की भी मांग की। जी, हम मुआवजे की भी मांग है। जब तक हमको ये परिवार जब तक सक्षम नहीं होता, जब तक सहमत है परिवार नहीं होता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इनको उचित न्याय दिलाए बगैर तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। अभी आप हमारे एडवोकेट से भी पूछ सकते हैं कि आप एडवोकेट से भी अभी चर्चा हुई है, आप एडवोकेट भी बताएंगे कि हम किस रास्ते तक जाएंगे हम इंशाल्लाह। देखिए, हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दिया है टोरेंट को, इंटीमेशन इसलिए दिया है कि कंपनसेशन से रिलेटेड जो चीज़ हो सकती है उस परिवार को मिलना चाहिए। दूसरा लेटर हमने सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डायगर स्टेशन को इसलिए दिया है कि इस पर कॉग्निजेंस क्या लिया है पुलिस ने, इस पर कोई FIR दाखिल हुई है कि नहीं। ये इंसिडेंट हुआ है आप टोरेंट आने के बाद तो गुना दाखिल होना चाहिए ना किसी पे। 304A कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बेगैर इरादे तन हत्या का केस दाखिल होना चाहिए। जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा इंसिडेंट है और फिर किसी की जान ना जाए। तो इसीलिए हमने एप्लीकेशन दिया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे लीगल प्रोसीडिंग की भी हमारी तैयारी है। प्राइवेट केस हम कोर्ट में फाइल करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल और आंदोलन की भी तैयारी। आपने FIR की मांग की, बिल्कुल जाहिर सी बात है आज ये चीज़ हुई है किसी एक के साथ, बिगर ये कॉग्निजेंस लिया गया है पुलिस ने, किसी की जान गई है ना। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, MSCB ऐसे एक अथॉरिटी थी, उसी तरह टोरेंट है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर गैर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, आपके इंस्टीट्यूशन में इतना स्टाफ है, इतना वर्कर है, उसके बावजूद भी आपसे इतनी बड़ी गलती होती है कि किसी की जान चली जाती है, ये लापरवाही है ना। तो इस लापरवाही का कोई जिम्मेदारी किसी को तो लेना होगा। और सिर्फ आप किस लोगों की जान से खेलेंगे और हम चुप बैठेंगे ऐसा नहीं होने देंगे। जो कुछ हो सकता है लीगली हम करेंगे और इसके लिए इंशाल्लाह आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।